अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। माय प्रेडिक्टेड स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे सीरीज, नंबर वन कैप्टन बाबर आजम, नंबर टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान, नंबर थ्री लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शर्जील खान, नंबर फोर पाकिस्तान यंग स्टार बैट्समैन हैदर अली, नंबर फाइव हार्ड हिटिंग बैट्समैन आसिफ अली जिन्होंने CPL में बेहद अच्छी परफॉर्मेंस दी, नंबर सिक्स हार्ड हिटिंग बैट्समैन खुशदिल शाह, नंबर सेवन ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद चूंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बेहद अच्छी परफॉर्मेंस दी सो एक दो मैचों से इनको बाहर करना ये इनके साथ ज्यादती होगी, नंबर एट ऑलराउंडर शादाब खान, नंबर नाइन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, नंबर टेन ऑलराउंडर अमाद भट्ट, नंबर इलेवन फास्ट बॉलर नसीम शाह, नंबर ट्वेल्व फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा, नंबर थर्टीन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नंबर 14 फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, नंबर 15 विकेट कीपर बैट्समैन रोहिल नज़ीर या जीशान अशरफ। दोस्तों ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलते हैं और दोस्तों अगर आप जानते हो तो T20 क्रिकेट के अंदर हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं विकेट कीपर बैट्समैन जो कि अगले 3-4 सालों तक T20 क्रिकेट में हमें एशिया कप T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में होना है फिर 2022 में होना है 2021 में एशिया कप होना है हमने फ्यूचर की तरफ देखना है। तो दोस्तों अगर मोहम्मद हफीज़ शुएब मलिक वहाब रियाज मोहम्मद आमिर इन पे हम डिपेंडेंट रहेंगे तो जिम्बाब्वे जैसी सीरीज जो यंगस्टर्स को चांस देने का बेहतरीन मौका है पाकिस्तान में स्पेशली आके यंगस्टर्स जब खेलेंगे उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और तमाम क्रिकेट शायकीन को इस चीज़ का पता चलेगा कि इन कितने पानी में है और इनके अंदर कितना टैलेंट है। तो दोस्तों यंगस्टर को आजमाना चाहता हूँ, मेरी प्रिडिक्टेड 11 थी, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेइंग 11 और ये प्लेइंग 15 होने चाहिए, स्क्वाड होना चाहिए ये वाला। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा क्या ये यंग स्क्वाड सही है या इसमें कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।